बहुत अच्छा है। राजेश बुटाले जो है उन्होंने फिल्म बनाई है और संजॉय बोस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे गाने बनाए उन्होंने। मैंने दो गाने गाए उनके लिए और शान ने भी गाना गाया, सुनीति ने भी गाया, वेरी नाइस मेलोडीज़। काफ़ी टाइम से वो म्यूज़िक के फील्ड में कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इवन राजेश जी, उनकी पहली फिल्म है, आई विश देम बोथ वेरी वेरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। फिल्म अच्छी बनी है एंड आई फील द म्यूज़िक इज़ रियली वेरी नाइस, तो आई एम वेटिंग फॉर द म्यूज़िक टू रिलीज। यार गाने मेरे को अच्छे मिल जाते हैं दोस्त, तो बस मैं उसको महसूस करके गा देता हूँ। ऊपर वाले की दया से और आप सब लोगों की दुआ से अच्छे से गाने मिल जाते हैं। तो ये गाने भी मेरे को दो गाने मिले, एक वक्त गया था और दूसरा है खुदा तूने। दोनों गाने बहुत अच्छे हैं, संजय ने बहुत अच्छे गाने बनाए एंड आई एंजॉयड सीइंग बोथ ऑफ देम। तो अपनी तरफ से ये मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जो गाने आए मेरे को जो मिले उसको मैं इन्जॉय करूँ सबसे पहले, अगर मैं इन्जॉय कर लूँ तो आप भी इन्जॉय कर लेंगे, सिंपल बात होती है। यार जॉनर से बहुत है, मतलब अभी तो मैंने, मुझे लगता है कि मैं छोटी सी एक छोटा सा बबल हूँ इस यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और भी। ये तो मेरे जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे अपने अपने बेहतरीन गाने दिए हैं, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं टीमों में और अपने अपने अच्छे गाने दें और मैं अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से कोशिश करके निभाऊँ। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि और कोई चाह है, यार वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब वो जैसे जैसे गाने आते हैं वो बढ़ती रहती है, तो बस मैं वेट करता हूँ कि हर रोज़ के अच्छे गाने मिले। मैं इस वक्त जो है कुछ अपने जो है स्टूडियो में बैठा हूँ, अपने काम कर रहा हूँ, मतलब दो मैंने एल्बम किए, एक 99 में पल किया था, दूसरा 2008 में एक हम सफ़र किया था। अभी एल्बम का वक्त मेरे मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ करूँ, पर वो कब होगा कैसे होगा वो मुझे मालूम नहीं, वैसे शुरुआत की बस मैंने। सर बहुत कम सिंगर्स मूवी के प्रमोशन पे देखने को मिलते हैं, क्या कहना चाहिए क्या जी? यार ये जो है संजॉय जो है मेरे बहुत, इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड मैंने जो गाना गाया था उन्होंने मुझसे कहा था कि यार एंड आई नो ही बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने कहा मेरे से जो बनेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना भी मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकूँ मैं करूँगा, तो मैंने बस वही किया अपने दोस्त के लिए। सर आखिर में गाने की दो लाइनें अगर गुनगुना दें आज का जो गाना। वक्त गया थम और थम गए जिंदगी के सभी रास्ते। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है और आपका किरदार किस तरह का होगा? फिल्म है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, थोड़ा रोमांस है मूवी में। तो और मेरा माई कैरेक्टर इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लड़की है, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर लेगी, और फॉर दैट शी क्रॉसेज ऑल द लिमिट्स। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी पॉजिटिव माइंडेड, तो उस चक्कर में शी इज़ वेरी रिस्क टेकर ऑल्सो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो मेरा कैरेक्टर इन अ वे सिंपल होके भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हाँ, तो आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। कैरेक्टर ऐसे कोई ध्यान में नहीं रखा था मैंने, बहुत सारे बिट्स में कैरेक्टर्स देखे थे, काफ़ी मूवीज़ देखी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें द लेडीज़ प्लेइंग दी स्ट्रॉन्गर रोल, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, सिचुएशन हैंडल करती, तो वो एक्सप्रेशन कैसे करने हैं मुझे प्रैक्टिस कराया जाता था, मुझे मूवीज़ दिखाई जाती थी। सो हाँ, फॉर अ मंथ आई यूज़ टू डू दैट एंड व्हेन एवर आई यूज़ टू सिट होम, मुझे बार बार आई यूज़ टू यूट्यूब, मैं टीवी लगा के वही देखा करती थी, मैं मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग किया करती थी थोड़ा सा फ्री होने के लिए। हाँ, तो ये मेरा प्रैक्टिस सेशन चलता था। फर्स्ट मूवी था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, कोई भी रोल करना, स्माइल, पहले फर्स्ट डे ऑफ शूट में तो स्माइल करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो इवेंचुअली मैं इधर
اس مووی میں فائٹنگ سین بھی کر پائی میرے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے. سو ہاں ان ایوری اسٹیپ دا مووی ہیز بین چیلنجنگ فار می. ایز اینڈ وین ریکوائرڈ اگر وہ میں نہیں اچھا کر رہی ہوں تو ہی ول کیپ آن رولنگ. اسٹرکٹ تو ایسا کچھ بولتے نہیں تھے وہ, اٹس جسٹ دیٹ یو ڈونٹ ڈو اور میں کرتا رہوں گا رول, کیپ آن ڈوئنگ اٹ چاہے میں فرسٹریٹ ہو جاؤں. پیک اپ نہیں کرتے تھے وہ, ایسے آ کے روڈلی بات نہیں کرتے تھے, آ کے ہی ول کیپ آن ایکسپلیننگ کہ کیسے رول کرنا ہے, واٹ ٹو کیپ ان مائنڈ, یہ سب کرتے تھے. اسٹرکٹ ایس سچ نہیں تھے لیکن دین ہی ول وہ کراتے رہیں گے, پیک اپ نہیں ہونے دیں گے. تو الٹیمیٹلی ان کو جب تک وہ شاٹ نہیں ملتا تھا وی یوز ٹو ورک. اس کے علاوہ اور کوئی مووی میں دیکھیں گے آپ کوئی اپ کمنگ پروجیکٹ؟ ابھی تک تو نہیں, ابھی تک تو نہیں. آفرز ہے, آئی لک ان ٹو اٹ. اس سمے اس وقت کیا فیل کر رہا ہوں؟ نہیں ایکسائٹمنٹ تو کر ہے, کیا تھا کافی لمبی جرنی کی ہے اس فلم میں میں نے, کیونکہ رائٹنگ سے لے کے ہر چیز میں نے اس کو سنبھالا, تب یہ دن تو آنا تھا. لیکن مجھے ابھی بھی میرا دماغ اتنا بزی ہے اپنی سوچ میں کہ مجھے یہ ایکسائٹمنٹ کا اتنا احساس نہیں ہو رہا ہے. شاید فلم ریلیز ہونے کے بعد ایک ایکسائٹمنٹ کا احساس ہو پائے گا. تب اچھا فیل ہو رہا ہے, کافی اچھا فیل. نہیں شروعاتی دور میں بہت مشکل رہا کیونکہ ایک نئے انسان کے لیے بہت ٹف کام تھا, لیکن بہت جلدی فلم میرے مطلب ایسے پھر میں سمجھ گیا چیزوں کو, اینڈ پھر بہت آسان ہو گیا, فلم بہت ایزی ہو گیا. نہیں بہت قسم کے میرے پاس بہت ساری اسٹوریز ہیں آلریڈی میں نے لکھی, ایسا نہیں ہے, بٹ کوئنسیڈنٹلی اگلی فلم جو ہے اس کوئنسیڈنٹلی تھرلر ہی ہے وہ ہونے جا رہی ہے اس فلم کے بعد. سامنا ڈیفینیٹلی کرنا پڑا کئی, کیونکہ شروعات میں سب نئے لوگوں سے ملنا ہوا تھا, کچھ لوگوں نے جیسے کہا نا تھوڑی فلم میں جانتے ہوں گے کتنا تکلیف اور چیٹنگ یہ وہ دھوکے بازی کافی شروعات گھر میں ہوئی, تب تک میں سنبھل چکا تھا. تو ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا فلم کا, ویری گڈ جرنی رہی اس فلم کی, کیونکہ میرا میں نان اسٹاپ ڈوبا ہی تھا اس فلم میں. مجھے تھوڑی تکلیفیں کم محسوس ہوئی کیونکہ میرا دھیان ہی ایک ہی ٹارگیٹ تھا کہ میں اس فلم میں کیسے بہتر بناؤں, کیا چیزیں ہیں جو نیا پن لے کے آتی ہو, کیونکہ نیا ڈفرینٹ یہ سب ورڈس میں سن سن کے پریشان ہو گیا. مگر ابھی سنجوگ سے ایسا ہے کہ فلم واقعی میں مجھے ابھی تک جو باتیں تھیں نیا نیا, یہ نیا نہیں نئی فلم ہے. ہر شاٹ ہر سین میرا چیلنج ہے, گارنٹی ہے کہ آپ فلم دیکھو اور آپ کو کسی بھی فلم سے ملتا ہو تو آپ اس سے آ کے بات کیجیے, میں کسی بھی. تھینک یو بس.